today's lecture, we will learn about different kinds of retailing. Before starting this topic, I would like to tell you that kinds of retailing are divided into many classifications. In our today's lecture, I will tell you about type of retailing on the basis of nature of their shops, whether they are permanent in nature or they are in temporary in nature. On the basis of type of location, whether they are permanent or temporary, they are divided into two types: itinerant and permanent shops. Itinerant means moving from one place to another, and fixed we mean fixed, located at any fixed place. Let's have a look on different type of retailers. Starting from itinerant retailers, they are hawkers and peddlers. Number B, market traders. Number C, cheap jacks. Number D, street traders. Number one, hawkers and peddler. Hawker and peddler are of very old origin. ये हम बहुत पहले से इसके बारे में सुनते आए हैं, जो लोग साइकिल पर या छोटे से स्टैंड पर जगह जगह सामान बेचते हैं उनको हम हॉकर्स एंड पैडलर बोलते हैं. नॉर्मली जो सामान बेचते हैं वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी का होता है, एंड यू कैन सी द क्वालिटी इज नॉट प्रोमिस्ड. You cannot get guarantee of the quality whenever you buy things from the hawkers or the peddlers. Okay, and they move from one place to another place, and they have no permanent location. They sell their things on bicycle or some any temporary kind of thing. Number B is market traders. Market traders are those traders, those who sell their products on fixed days or fixed, you can say, a month of the year. As we can see in our Rampur, there is a Budh Bazaar and Mangal Bazaar. These type of retailers are called market traders. Okay, and they usually sell consumer durables, and they offer a great discount to the people to attract the large amount of masses. Number C is cheap jacks. Cheap jacks also do not have a permanent place. They sell their items on a temporary location, and they generally offer a cheap variety of things, and they do not have any permanent location. कभी वो कहीं बैठ जाते हैं, कभी वो कहीं अपना स्टॉल लगा लेते हैं, कभी उनका स्टॉल कहीं और लग जाता है, और उनका परमानेंट कोई कंक्रीट रूफ वाली शॉप नहीं होती इनकी, चीप जैक्स की. नंबर डी है स्ट्रीट ट्रेडर्स. स्ट्रीट मतलब आप जानते हैं, ट्रेडर्स मीन्स कारोबारी. ये वो लोग होते हैं जो सड़क किनारे सामान बेचते हैं. इनके पास जो गुड्स होते हैं वो भी कम प्राइस के होते हैं, स्मॉल क्वान्टिटी में होते हैं, और इनका भी जैसे कि नाम है इंटरनेट रिटेलर्स, इनका भी कोई लोकेशन. सो वी लर्न दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरनेट रिटेलर्स जिनका कोई परमानेंट शॉप नहीं होता है. नाउ आई विल टेक यू टुवर्ड्स द फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. जैसे कि नाम से सुन लग रहा है कि दे हैव फिक्स लोकेशन, फिक्स्ड शॉप्स. स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज अ स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स. दे हैव अ स्टॉल ऑन द स्ट्रीट. ये वहां पर एक परमानेंट तो नहीं होता है, बट उनका जो कंपैरिजन हम करते हैं स्ट्रीट ट्रेडर से या चीप जैक्स के मुकाबले, तो इनका जो स्टॉल होता है वो थोड़ा सा परमानेंट नेचर का होता है, बिकॉज इनका जो क्राइटेरिया होता है और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लॉन्ग रन का होता है. वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए किसी एक परमानेंट लोकेशन को अपना बेचने की जगह बना देते हैं. नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड हैंड गुड डीलर्स. सेकेंड हैंड गुड डीलर्स डील्स इन अ सेकेंड हैंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि पहले पार्टी सेकंड पार्टी जाता है, और ये जो है इनकी भी शॉप आपको फिक्स मिलती है, और यू कैन बाय थिंग्स फ्रॉम देयर शॉप्स, बट इनका जो लोकेशन है कंपैरेबल टू दीज पीपल हैव फिक्स. नेक्स्ट इज स्पेशलिटी शॉप्स. स्पेशलिटी शॉप्स ऑफर स्पेशल थिंग्स लाइक लेदर, एंटीक थिंग्स एंड फर्नीचर्स, जो कि आपका स्पेशलिटी के अंदर आए उस चीज को हम बोलते हैं स्पेशलिटी शॉप. जैसे कि वेडिंग ड्रेसेस हों, तो इन लोग की शॉप भी फिक्स होती है और ये स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं. नेक्स्ट आपका आता है जनरल शॉप्स.
जनरल शॉप्स आपकी कहलाती हैं जो कि जनरल आपके स्टोर्स होते हैं, आपके घर के आसपास रिटेल शॉप्स होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ आपके एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ऑफर करते हैं।